ये एलडीए सिटी हाउसिंग स्कीम का जिना सेक्टर है और यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, मशीनरी काम कर रही है और रोड्स कारपेट हो चुके हैं। अभी बहुत ही मुनासिब प्राइसेस हैं। जिना सेक्टर के बाद इकबाल सेक्टर का भी इफ्तिताह हो चुका है, उसकी फाइल्स भी मार्केट में आ चुकी हैं और हमारे पास जिना सेक्टर की फाइल्स भी हैं और प्लाट्स भी हैं। बहुत ही मुनासिब प्राइसेस हैं। अगर आपको 5 मरले की फाइल चाहिए जिना सेक्टर के अंदर किसी भी ब्लॉक के अंदर, तो वो आपको 15 लाख से 18 लाख के दरमियान में मिल जाएगी। और इसके बाद जो प्लाट्स हैं, प्लाट्स की प्राइसेस जो हैं 18 लाख से शुरू होती हैं और 25 लाख के दरमियान में आपको जिना सेक्टर में 5 मरले का प्लाट मिल जाएगा। इसके बाद 10 मरले की फाइल्स भी हैं, 10 मरले के प्लाट्स भी मिल जाएंगे। फाइल्स और प्लाट में ये फ़र्क है कि फाइल्स में प्लाट नंबर लगा नहीं होगा, उसकी बैलेटिंग अभी होनी है और जो प्लाट नंबर होता है, जो प्लाट दिया जाएगा उसमें कन्फर्म नंबर होगा और आपको पोजेशन जो होगा वो विद इन 1 ईयर जो है यहाँ पे पोजेशन डिलीवर कर दिए जाएंगे। सीवरेज वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल सामने स्टेडियम बन चुका है और इसके बाद वाटर टैंक बन रहे हैं। सीवरेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है 3 ब्लॉक्स के अंदर। तो व्यूअर्स, हर साइज़ में आपको यहाँ पर प्लाट्स मिल जाएंगे, फाइल्स मिल जाएंगी और इकबाल सेक्टर जो है उसकी फाइल्स भी मार्केट में आ चुकी हैं। एलडीए सिटी हाउसिंग स्कीम लाहौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि फिरोजपुर रोड के ऊपर वाकिया है, रिंग रोड से 2 किलोमीटर का फासला है और कनाल रोड का इसको फ्रंट लगता है। तो एलडीए सिटी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अपना प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और तमाम सहूलियात यहाँ पर विद इन 1 ईयर दे दी जाएंगी। आपको 1 किनाल की फ़ाइल भी यहाँ पे मिल जाएगी। एक किनाल की फ़ाइल्स जो हैं वो और प्लाट जो हैं उनकी प्राइसेस 60 लाख से शुरू होती हैं, 1 करोड़ तक जाती हैं। और इसके बाद कमर्शियल लॉन्च कर रहा है एलडीए सिटी, बहुत जल्द जो है कमर्शियल फाइल्स अनाउंस हो जाएंगी और उसके बाद कमर्शियल का पोजीशन सबसे पहले दिया जाएगा यहाँ पर। तो व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एलडीए सिटी की ताज़ा अपडेट 2021 की हासिल करने के लिए हमारे चैनल्स को देखते रहें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम न्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।